कृष्णा यादव the highest rewards or means dedication to excellence is not what one gets from it but what he or she because through it will breed we are proud of you achievements and we love you Bill and Peggy Reed free enterprise day celebration 2019 brand new diamond Mahavir and Veena thanks हेलो दिल्ली नमस्कार हेलो एनसीआर दिल्ली नमस्कार आज सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर को बार 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 धन्यवाद देते हैं कि आज हमारी जिंदगी में ये दिन आया ये इतनी खुशी का इतना बड़ा दिन जो आज उस परमात्मा को बार 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 थैंक्स करते हैं थैंक्स उस गॉड की वजह से ये सब कुछ हुआ इसके बाद जैसे बताया कि मेरा नाम महावीर यादव है और मैं कोसली से बिलोंग करता हूँ एक साधारण से गांव से एक साधारण से परिवार से ना बहुत बड़ी प्रोफाइल ना बहुत बड़ी एजुकेशन बट आज केवल आप सब लोगों की वजह से और एक ऐसे सिस्टम की वजह से आपके सामने ब्रांड न्यू डायमंड थैंक यू दोस्तों थैंक यू आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी सक्सेस में आज आप शरीक हुए इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही एक साधारण से परिवार में जन्म हुआ मेरी एजुकेशन एक गांव में हुई और गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई लिखाई मेरे फादर आर्मी में थे उसके बाद दूसरी भी जॉब की उन्होंने दिल्ली पार्लियामेंट में थे और मदर मेरी हाउसवाइफ मेरे अलावा मेरी तीन बहनें और मैं अकेला परिवार में आप एक बार सोच के देखें ऐसे साधारण से परिवार में हो जहां तीन बहनें और एक मैं और वहां भी कोई ऐसी ना बड़ी पढ़ाई लिखाई ना जॉब और फिर कैसे उस परिवार का गुजारा होता होगा उसी जद्दोजहद से निकल के जब पढ़ाई शुरू हुई फादर ने सरकारी स्कूल में पढ़ाया बट जो उनकी हैसियत थी उससे अच्छा हमें वो सारी लाइफस्टाइल देने की कोशिश की बट जैसे जैसे पढ़ाई लिखाई कर रहे थे आगे बढ़ रहे थे अचानक हार्ट फेल की वजह से वो दुनिया छोड़ गए हमारे बीच से उस समय मैं केवल प्लस टू में था नहीं पता था कि आगे जीवन कैसा होगा किस प्रकार की लाइफस्टाइल होगी कुछ भी टोटल की टोटल अंधकार था और ऐसी स्थिति में परिवार में मैं अकेला होने के कारण बिल्कुल अंधकार था आगे दिखाई नहीं देता था कि क्या जिंदगी आने वाली है उस समय मैंने अपनी मां को एक ही भरोसा दिया था कोई बात नहीं मैं हूं जैसा भी होगा आगे करेंगे हम और अच्छे से जिंदगी जिएंगे इसी बिलीव पे मैंने अपना लाइफ का यू टर्न लिया उस समय जो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी कोई अच्छे मार्क्स के साथ नहीं था एक एवरेज पढ़ाई पढ़ रहा था और उस समय किसी नौकरी की तलाश में भी था बट मेरे फादर की जगह मेरे को सर्विस मिल रही थी बट मैंने वो सर्विस नहीं की और उस समय डिसीजन किया था कि मैं बिजनेस करूंगा और बिजनेस करने के लिए वो स्किल भी नहीं थी वो क्वालिफिकेशन भी नहीं थी वो बैकग्राउंड भी नहीं था कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिससे मैं बिजनेस कर पाऊं बट डिसीजन था एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन था एक जिद थी और बिजनेस करने की ठान ली और जैसे ही ट्रेडिशनल बिजनेस करना शुरू किया मैंने स्टार्ट किया ट्रेडिशनल बिजनेस तो उस समय बिल्कुल ऐसा नहीं लगा था कि मैं कामयाब हो जाऊंगा एक जिद थी और एक अपना कॉन्फिडेंस था और स्टार्टिंग किया तो वहां पे बिजनेस में पैसा बनाया बट एक ऐसे मुकाम पे नहीं पहुंच पाए ऐसी कोई नाम या ऐसी कोई शोहरत या ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया बट फेल हुए उसके बाद दोबारा से डिसीजन लिया कोई बात नहीं मैं दोबारा से इस चीज को फिर सीखूंगा और फिर करूंगा
परेशान किया और बिल्कुल जहां से स्टार्ट हुआ था फिर वहीं आ गया। ऐसा लाइफ में चल रहा था कि दोबारा से बिजनेस करने की हिम्मत नहीं थी और जॉब करना नहीं चाहता था। एक ऐसे मुकाम से वापस ऊपर से नीचे, माइनस तो नहीं गए बट जो था वो बिल्कुल बराबर पे आ गए, कुछ नहीं रहा। उसके बाद दोबारा से वो कमिटमेंट, वो जिद बरकरार रही और दोबारा से उसी कमिटमेंट के साथ दोबारा से काम करना शुरू किया। और काम करने करने के साथ साथ इस दौरान मैंने ट्रांसपोर्टेशन में भी काम किया, रियल स्टेट में भी काम किया और बिल्डिंग मटेरियल में भी काम किया। मैं बदल रहा था बिजनेस बट कामयाब नहीं हो रहा था। तब धीरे धीरे दोबारा से समझ में आया और समझ के साथ साथ फिर बढ़ाना शुरू किया। और उसी बढ़ाने के साथ साथ जब 2014 एक ऐसे ही प्रोग्राम में एक ऐसे ही दोस्त के साथ जबरदस्ती मैं एक ऐसे ही माहौल में आया था और जब वो बंदा मेरे को लेके आया था तो मैंने उनको कहा था कि मैं इस प्रकार की मीटिंग में नहीं जाना चाहता और आपने बहुत गलती की है जो दो टिकट ले ली। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप नहीं जाना चाहते बट मैं लेके चलना चाहता हूं, क्या आप मेरे साथ भी नहीं जाना चाहते? मैंने कहा ठीक है, आप कहते हो तो मैं आपके साथ चलता हूं बट मैं कुछ नहीं करूंगा। उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप कुछ नहीं करना, बस मेरे साथ आपको चलना है। और ठीक जनवरी मंथ 2014 ठीक इसी प्रकार की एफईडी जिसमें मैं आया था और उसको कंडीशन देके आया था कि वो सारे खर्च आपके होंगे, टिकट भी, गाड़ी का खर्च भी और वहां खाने पीने का भी खर्च। अभी सुन रहे थे ना आप कि 900 रुपए की टिकट में कुछ खाना पीना भी मिलेगा क्या? मैंने भी ऐसा ही पूछा था और ऐसा ही कहा था बट वो मेरे को लेके आए। मैंने यहाँ पे कोई भी ऐसा सेमिनार पे जो वक्ता बोल रहा था किसी की भी ऐसी बात नहीं सुनी, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, ऐसा चल रहा था और ऐसा चल रहा था बार 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 ऐसा हो रहा था। बट गलती से बहुत ज्यादा खाने के बाद, बहुत ज्यादा इधर उधर जाने के बाद और भीड़ इससे भी ज्यादा थी और अंदर आ गए। अंदर आने के बाद कहीं भी जगह नहीं थी, नीचे सीढ़ियों पे बैठ गए और सीढ़ियों पे बैठने के बाद एक ऐसा शख्स यहां से बोल रहा था, ऐसा शख्स यहां से बोल रहा था और वो धाड़ धाड़ के कह रहा था कि मैं मीनाक्षी एंड धर्मेंद्र राणा। और मैचिंग कपल इस प्रकार का तब उनको सुना तो लगा कि वास्तव में ये बिजनेस करने का है। और वहां पे कुछ समय के लिए एक समय ठहर गया मेरे लिए कि वास्तव में आज इनकी ऐसी प्रोफाइल है, इस प्रकार का बैकग्राउंड है और आज ये इस बिजनेस को करके कामयाब हो गए तो मैं भी कर सकता हूं। उस समय कुछ कुछ बिलीव आया। उसके बाद एक कपल को और सुना, उनका नाम था, वो बहुत ही अच्छी प्रोफाइल थी जैसा शायद ही यहां पे कोई हो, बहुत अच्छे हेल्थ से थे, बहुत अच्छे परिवार से थे, सारी चीजें उनकी जबरदस्त थी। उनका नाम था प्रेमवर्धन सुनीता कुमारी। उनको सुनने के बाद बिल्कुल ऐसा लगा कि वास्तव में ये बिजनेस एक स्ट्रॉन्ग आदमी का करने का है और बिल्कुल मैं भी वैसा ही हूं। चाहे मेरे पास एजुकेशन नहीं थी, चाहे मेरे पास बैकग्राउंड नहीं था, चाहे मेरे पास ऐसे परिवार से मैं बिलोंग नहीं कर रहा था बट मेरे को वहां पे इतना बिलीव आया कि हाँ ये मैं कर सकता हूं। और मैं वहीं सीढ़ी पे बैठे बैठे एक डिसीजन हो गया था कि हाँ मैंने करना है। बट हुआ क्या, जिस दोस्त के साथ आए थे वो तो केवल मेरे को यहां तक लाने का माध्यम था और वो वहां पे मेरे को ज्वाइनिंग नहीं करा पाए, वो आज है भी नहीं बिजनेस में। बट मेरे को एक ऐसा रास्ता दे गए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे गए जहां मैंने उन खुली आंखों से इस नायाब से बिजनेस को, इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आंख खोल के देख लिया। और एक ऐसे जो ड्रीम दबे हुए थे
एक साथी थे जो बार 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 मेरे को इस बिजनेस के बारे में बता रहे थे, और ये प्रोग्राम देखने के बाद ठीक ऐसा ही हुआ। मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि मैं प्रोग्राम में गया था और मैंने प्रोग्राम देखा और बहुत अच्छा लगा और मैं इसको करना चाहता हूं। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आप करना चाहते हो? दोबारा से पूछा। मैंने कहा हां मैं तैयार हूं। ठीक है तो मैं आपको सही समय पे बताऊंगा। और हमारी बातें होना शुरू हुई और ठीक तब भी ज्वाइनिंग नहीं हुई। उसके बाद एक प्रोग्राम और आया, वो 18 मार्च का प्रोग्राम था और सुनील एंड संध्या सेठी यहां पे स्पीकर थे और उन्होंने प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में भी मैं आया था और ठीक उसी साथी के साथ आया था, उसी जो मेरे को बार बार दोस्त बता रहे थे उन्हीं के साथ आया था। और आने के बाद डिसीजन पक्का था, बट उस दिन जाते ही 19 मार्च को मेरी ज्वाइनिंग हो गई और ज्वाइनिंग होने के बाद इस बिजनेस का सिलसिला चल पड़ा। और उस शख्स का नाम है स्टी सेन चुकचित्ता फ्रॉम कुगोड़। जोरदार तालियां बजाए एक बार, जोरदार तालियां। मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट वहीं से शुरू हुआ। ज्वाइनिंग कराने के बाद उन्होंने मेरा फॉर्म साइन अप कराने के बाद एक ऐसे शख्स के साथ मेरे को गुड़गांव ऑफिस में भेजा जहां मैंने ज्वाइनिंग करना था और जहां पे मैंने प्रोडक्ट परचेज करने थे, इस सिस्टम को देखना था। एक ऐसे कपल के साथ भेजा जिन्होंने मेरा स्टार्टअप भी कराया, आज बिजनेस में आज बार बार बिजनेस को ग्रो कराने में मदद कर रहे हैं। उनका नाम है रविंदर एंड मनोज यादव। जोरदार तालियां बजाए एक बार। ऐसे बिजनेस में एंट्री हुई और जब गुड़गांव गए, जब फार्म अपने हाथों से साइन अप करने के बाद एंट्री कराई, जो एक नंबर इशू हुआ वो करने के बाद प्रोडक्ट लिया और जैसे ही प्रोडक्ट लेके घर गए दोस्तों, रास्ते में ही 3-4 हजार का प्रोडक्ट फोन से ही भेज दिया था। बट बिजनेस कुछ और था, दिख कुछ और रहा था, मेरे को कुछ और लग रहा था। जैसे ही इसकी मीटिंग में गए, उनके घर में एक हाउस मीटिंग होती थी, उस मीटिंग में गए और उस मीटिंग में जाने के बाद एक ऐसे शख्स को देखा, एक ऐसे शख्स को सुना, वास्तव में बिजनेस के मायने बदल गए। बिल्कुल अलग बिजनेस लगने लगा। उस समय लगा कि वास्तव में हम क्या कर रहे हैं और बिजनेस क्या है। एक ऐसे विजनरी कपल को देखा जिसने वास्तव में ही जो छोटे छोटे सपने थे उनको बहुत बड़ा कर दिया, जो सोच छोटी थी उनको बहुत बड़ा कर दिया, जो काम करने का दायरा बहुत छोटा था उसको बहुत बड़ा कर दिया। उस ऐसे कपल का नाम है अशोक पंडित एंड संतोष शर्मा। जब उनको देखा, उनको सुना, वो सारी चीजें बदलती गई। लगने लगा वास्तव में लाइफ में कुछ होगा, श्योर होगा। और उनकी लगातार एसोसिएशन में रहे और इस बिजनेस को सीखना शुरू किया। उसके बाद एक और ऐसे कपल को देखा और सुना जो वास्तव में ही आज इस बिजनेस में एक बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बड़े एक एग्जाम्पल है, जो आज बहुत से लोगों के प्रेरणा के स्रोत है। वास्तव में हमने भी उनको एक ऐसे समय पे देखने का मौका मिला, एक ऐसी छोटी सी होम मीटिंग के माध्यम से जो पेस मीटिंग का रूप ले चुकी थी, उस पेस मीटिंग में उनको देखने और सुनने का मौका मिला। लगा कि हाँ मेरे को भी ऐसा ही बनना है, मैं भी ऐसा ही बनना चाहता हूं। मेरी भी सोच बदली और उनको देखने और सुनने के बाद इस बिजनेस को और तेजी से करना शुरू किया। उनका नाम है धर्मेंद्र एंड मीनाक्षी राणा फ्रॉम हरियाणा। एक बार और जोरदार तालियां बजाएं। अब बिजनेस और बड़ा रूप दिखने लगा, जहां 2-4-5 हजार की सोच थी वह वो और सोच बदलने लगी।
और उसके साथ साथ अपना भी, अपनी सोच के साथ साथ अपने भी सपने बढ़ने लगे। अपने को भी लगा कि हाँ, अब कुछ भी हो, इस बिजनेस में जरूर मैं कामयाब हो जाऊंगा, जरूर इस बिजनेस में मैं कामयाब हो जाऊंगा। और इस बिजनेस को सीखने का निर्णय लिया और उनकी सारी बातें बताई, उनको फॉलो करने लगे। ऐसे ही एक और, जब हमें बिजनेस में ज्यादा समय नहीं हुआ था, एक और ऐसे कपल को देखने का मौका मिला जिनके बारे में बार बार ऐसे बताया जाता था, जिनको प्रोफाइल में देख लिया था, उनको बार बार ऐसा लगता था कि कब इनको देखने का मौका मिलेगा, कब सुनने का मौका मिलेगा। और वो समय आया, ज्यादा दिन नहीं हुए थे मैं बिजनेस में, 2-2.5 महीने हुए थे इस बिजनेस को ज्वाइन किए हुए, और 11% के लेवल पे थे, और उनको सुनने और देखने का मौका मिला। उनका नाम है डॉक्टर हरभजन एंड महेंद्र कौर ब्रेथ, ओनली ए क्राउन इंडियन। एक बार जोरदार ताली बजाए, जोरदार। उस दिन अपने आप को बहुत ही प्राउड महसूस हुआ कि एक ऐसी हेलोस में हम, एक ऐसे खानदान में है, एक ऐसे परिवार में है। लगने लगा अब सारी मुसीबतें एक तरफ और मेरी कामयाबी एक तरफ, कोई दिक्कत नहीं, अब 100% कामयाब होके रहेंगे, 100% कामयाब होके रहेंगे। ऐसी एक एलोस से संबंध रखते हैं और इस बिजनेस को स्टार्टिंग किया। शुरू में अकेले निर्णय लेके गए थे, पता नहीं था कि कपल का बिजनेस है, देखा था या कपल को, सुना था या कपल को, बट सोचा था कि क्या जरूरत है, अकेले कर लेंगे, क्या जरूरत है इतनी ज्यादा बातें सीखने के लिए, प्रोडक्ट बेचना आता है, प्रोडक्ट की नॉलेज ले लेंगे, वो सारी चीजें कोई जरूरत नहीं। बट इतना बड़ा थैंक्स करना चाहते हैं आज BWW का, इसका इतना बड़ा थैंक्स कि आपकी टोटल की टोटल लाइफ, आपका बिजनेस ही नहीं, आपकी टोटल की टोटल लाइफ चेंज होने वाली है यदि आपने 100% BWW को अफोर्ड कर लिया तो, आपने अपना लिया तो, इसको 100% फॉलो कर लिया तो। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। बहुत अलग टाइप के थे, बहुत अलग प्रकार का नेचर था, बट आज उससे कहीं अलग है, क्योंकि 100% ब्रिड को सबमिट हुए, अपलाइन को सबमिट हुए और सिस्टम को सबमिट हुए, तो इस बिजनेस में आगे चलना शुरू किया। इस बिजनेस में जब 1-2 महीने हो गए थे तो मैंने अपनी पत्नी को कहा कि हमें, आपको एक मेरे साथ बिजनेस मीटिंग में चलना है। उन्होंने कहा मेरा बिजनेस मीटिंग में जाना क्यों, किस लिए, आप कर तो रहे हो। मैंने कहा नहीं, इस बिजनेस को करना है तो हस्बैंड वाइफ साथ मिलकर करेंगे तो और अच्छे परिणाम आएंगे और हम जल्दी से इस बिजनेस में ग्रो हो पाएंगे। तो ऐसे करके मैं उनको एक मीटिंग में लेके गया और वहां से हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच अपनी वाइफ बीना यादव आपसे बात करेंगी, जोरदार तालियों। नमस्ते दिल्ली, मेरा नाम बीना है और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में ढाईना गांव से बिलोंग करती हूं और प्लस टू पास किया है और अपने हस्बैंड के साथ मिलके मैं भी ये बिजनेस सीख रही हूं। और इस बिजनेस का डिसीजन मेरे हस्बैंड ने लिया था और ये इसी त्यागराज स्टेडियम में प्रिट की यही FED मीटिंग में आए थे और बहुत एक्साइटमेंट के साथ गए थे कि हाँ बिजनेस बहुत अच्छा है। और ज्वाइनिंग कर ली थी, कुछ प्रोडक्ट्स घर पर लेके आए थे और कहा था कि बिना से आपको यही प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, और मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही थी और ये बिजनेस कर रहे थे। इसी दौरान कोसली के अंदर एक मीटिंग्स थी और इन्होंने मुझसे कहा कि आपको भी उस मीटिंग में चलना है, और बहुत दिन हो गए थे कहीं साथ में नहीं गए थे क्योंकि अपने बिजनेस में बिजी थे और मैं हाउसवाइफ थी, 2 छोटे बच्चे भी थे मेरे और बुजुर्ग सास थी और पशु भी रखते थे, तो कहीं मतलब ही नहीं था कि कहीं साथ जाएं। और ऐसे में इन्होंने खुद आगे से चल के कहा तो मैं भी इनके साथ मीटिंग में गई, वहाँ सबसे मिले और वहाँ मैंने देखा कि बहुत सी ऐसी लेडीज़ थी हमारी एरिया की जो ये बिजनेस कर रही थी और वो भी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी और ना ही बिजनेस बैकग्राउंड से। और मीटिंग ख़त्म हुई और शाम को हम घर आए तो मैंने कहा कि बिजनेस तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो और बहुत अच्छा बिजनेस है और इसमें मैं भी आपका साथ दूंगी। और मुझे तो कुछ भी नहीं आता था बिजनेस का,
मैंने कहा कि मैं सीखूंगी और अपने आप को बदलूंगी और मैं भी आपके साथ ही बिजनेस करूंगी। मैंने सीखना शुरू किया कि बिजनेस क्या है, प्लान सीखे, डेमो सीखे और प्रोडक्ट्स के बारे में कैसे बातें करते हैं ये सीखा, क्योंकि मेरी फैमिली से कोई भी बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं था। मेरे फादर आर्मी में थे और मेरी मदर हाउस वाइफ थी, और जब मेरे पापा ने फर्स्ट टाइम इन्हें देखा था मेरे लिए, तो शुरू से ही इनका ड्रीम्स था बिजनेस करने का, और हमने भी हस्बैंड वाइफ की टीम बनाई और इस बिजनेस को शेयर करना शुरू किया। सिल्वर हुए, गोल्ड हुए और प्लैटिनम हुए। प्लैटिनम के बाद ट्रिप मिला और धनतेरस पे GIP आया, बहुत अच्छा लगा और मेरा पहला ट्रिप लगा। मैंने तो कभी हाइजर्स को नज़दीक से भी नहीं देखा था, ये तो बैठ चुके थे और मैं बैठकर विदेश होके आई। और ट्रिप से आने के बाद इन्होंने मेहनत दुगनी कर दी, कहा कि इस बार बड़ा GIP, और लीडर्स भी बहुत अच्छा कर रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे लीडर हमारे नीचे आ चुके थे, खुद से जिम्मेदारी लेके चलने वाले, और ऐसे में इन्होंने एमराल्ड कर दिया और हम एमराल्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से गए, बहुत अच्छा GIP आया। ऐसे ही फेथ बढ़ता गया और हम इस बिज़नेस में और मेहनत करते गए, और मेरे हस्बैंड तो एक दिन में 12 के 12 घंटे इस बिज़नेस को करते थे, दिन की 8-8, 9-9 प्लान दिखाते थे। और इनका जो ड्रीम था, जो फर्स्ट मीटिंग से ही चला आया था, डायमंड शिप, और गॉड की ब्लेसिंग से और टीम भी बहुत अच्छा कर रही थी और इनकी कड़ी मेहनत और स्ट्रॉन्ग डिसीजन से हमने डायमंड शिप आज कंप्लीट किया। और आज ऐसे सेलिब्रेशन, इनका ड्रीम था ऐसे हैंड डांसिंग करवाना, वो आज हमारा पूरा हुआ है और आज इस लेवल पर आके हमारे हर ड्रीम पूरे हो रहे हैं। हमारी इतनी बड़ी सोच नहीं थी, इतने बड़े सपने नहीं थे, लेकिन यहाँ आके हमने सपने देखे लोगों को देख देख कर, और आज वो पूरे हो रहे हैं। और इस बिजनेस के थ्रू मुझे मेरी आइडेंटिटी मिली, यदि मेरे हस्बैंड कहीं और काम कर रहे होते तो मेरी पहचान कभी नहीं होती, क्योंकि मैं हाउस वाइफ थी और वो भी गाँव से, और इस बिजनेस के थ्रू मुझे मेरी आइडेंटिटी मिली। और आज पूरा परिवार हेल्थी है, हम फिट एंड फाइन है, वो सिर्फ इस बिजनेस के कारण। और थैंक यू। जोरदार तालियां बजाएं, एक बार जोरदार तालियां। दोस्तों, हमने डिसीजन कर लिया था बिजनेस करने का, बट मैं आपको जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि शुरुआत के 18 महीने मैं 3 महीने में ही 15% पे हो गया। सोचा कि अगले महीने 18, उससे अगले महीने सिल्वर और अगले 6 महीने में प्लेटिनम, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 15% होने के बाद अगले 15 महीने मैं 15% पे ही रहा। ठीक 1.5 साल गुजर गया और बिजनेस में कोई भी मीटिंग नहीं छोड़ी, कोई भी सेमिनार नहीं छोड़ा, डेमो दिखाना नहीं छोड़ा, प्लान दिखानी नहीं छोड़ी और बुक पढ़ना नहीं छोड़ा, सीडी नहीं देखना, बट परिणाम नहीं आ रहे थे। कुछ उस परमात्मा को कुछ और मंजूर था, मेहनत लगातार और बढ़ाते गए और चलते गए, क्योंकि जो चीजें थी, जो सपने थे, वो डिसीजन थे, वो मौखिक थे, उनको लिखना नहीं सूखा। जैसे सितंबर मंथ आया, अपलाइन के साथ बैठे और गोल बनाया और वहां पे उनको लिखना शुरू किया, और जैसे लिखा कि ये महीना मैं सिल्वर क्वालिफाई करूंगा, सारी चीजें बैठे और लिखे, बार 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 बिजनेस नहीं हो रहा था। तो एक बार मेरे को ऐसा मौका मिला कि राणा जी के साथ बैठाया गया, वो एक बेस मीटिंग करने गुगोड़ आए थे और उनको सुबह के टाइम और रात को वहीं गुगोड़ रुके, और सुबह को मेरे को उनसे मिलवाया गया। तो मैंने उनसे बात की और मिले, मैं 20-25 लोगों के नाम लिख के लेके गया था और उनके साथ बैठे। मैंने कहा कि मैं इस मंथ सिल्वर जाना चाहता हूँ, उन्होंने कहा ठीक है। मैंने 20-25 लोगों के नाम लिख रखे थे और उन्होंने कहा, मैंने कहा ये करेगा, उन्होंने एक एक करके काटना शुरू कर दिया और सारे के सारे नाम काट दिए। एक बार तो दिल कर रहा था पूछू जी बता दो कौन करेंगे, बट ऐसी हिम्मत नहीं थी। उन्होंने ही पूछा कि आप क्या करोगे, मैंने कहा आप तो नए लेके आने पड़ेंगे। बोले कौन लेके आएगा, मैंने कहा मैं लेके आऊंगा। उस दिन से बिजनेस एक नई ऊंचाई के साथ, एक नई उमंग के साथ स्टार्ट हुआ, और जो अपनी प्लान दिखानी कुछ कम कर दी थी, जो लोग पुराने लोगों के साथ बार बार लगा रहे थे समय, उनको छोड़ के अपनी सेल्फ की प्लान दिखानी शुरू की,
सेल्फ का और नए लोगों को लाना शुरू किया और उसी महीने 100 प्लान दिखाई दोस्तों, 100 प्लान और सिल्वर हुए। बहुत लगा पेस मीटिंग में भी बोलने में, मैंने वहां पे दिया था, ऐसा लग रहा है जैसे उड़ रहे हैं। इतना ज्यादा खुशी मिली थी कि वो ना 15% पे ना किसी पे नहीं मिल पाई थी, एक सिल्वर पे हुई। बट अगले महीने क्या हुआ, वो 100 प्लान नहीं दिखा पाए। तीसरे महीने भी नहीं गया, चौथे महीने भी नहीं गया, पांचवें महीने भी नहीं गया और छठे महीने भी नहीं गया। बट फिर उनके साथ बैठाया गया, उन्हीं के साथ फिर वही, उन्होंने बताया कि आपने बिजनेस को कंटिन्यू करना है तो कुछ नंबर की आवश्यकता है, वो नंबर आपको फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग ऑफ नंबर ऑफ ज्वाइनिंग 100 से 200, जो आपने एसओपी की जो ब्रिट के प्रोग्राम में है वो 30 कम से कम लोगों की आपकी एसओपी होनी चाहिए। आपके 30 कम से कम 30 से 35 लोगों की आपके पास एलसी क्लब 100 पीवी जो हम 2 तारीख से 5 तारीख के बीच में करते हैं वो आपको करने होंगे। आपको 300 से 500 पीवी 10 से 15 लोगों के करने ही करने होंगे। ऐसे लोगों को जब आप 10 लोग प्लान दिखाने वाले आपकी टीम में होने चाहिए तो ऐसे कुछ नंबर बताने शुरू किए। आपके मीटिंग में 50 से 40 लोग आने ही चाहिए, वो सारे नंबर फॉलो करना शुरू किया। उसका परिणाम हुआ कि उसे नेक्स्ट मंथ प्लेटिनम हो गए। दोस्तों चैलेंज आए, ऐसा नहीं हुआ चैलेंज नहीं आए। अपनी अपलाइन की एक बेस मीटिंग देखी तो वहां पे दो दो तीन तीन बेस मीटिंग करना शुरू किया। उन्होंने एक अपनी डुप्लीकेशन लगाई, वहां पे दो दो तीन तीन डुप्लीकेशन लगाना शुरू किया, लोगों को तैयार करना शुरू किया। और ऐसा हुआ प्लेटिनम जाते समय 2014 में प्रोडक्ट की शॉर्टेज थी और बहुत बड़े चैलेंज थे, बट ऐसे समय में प्लेटिनम गए। सारे चैलेंज एक तरफ और काम बिल्कुल उस बिंदु की तरह काम करना शुरू किया, कुछ काम काम ही नहीं लगा। उसी समय वो काम अपना एक मिशन बन गया और सुबह मैं फुल टाइम था इस बिजनेस में, 8 बजे घर से निकलना और 11 बजे 12 बजे आने का कोई समय नहीं। बाइक पे बिजनेस स्टार्ट किया था, ठंड भी लगी गर्मी भी लगी सब कुछ लगी, बट कभी ना अपलाइन को ना कहीं कहीं किसी जाके किसी को भी उफ ही नहीं की। क्यों? टारगेट एक ही था कि कामयाब होना है। जो मेरी माँ को बहुत ज्यादा मेरे पे कॉन्फिडेंस था वो बार बार खोता जा रहा था। एक जो परिवार में इमेज थी वो धीरे धीरे घटती जा रही थी और वो चीजें अपने आप को ही अखलने लगी। उनका परिणाम हुआ कि रात दिन कभी नहीं देखा काम करना स्टार्ट रखा। और जैसे प्लेटिनम हुए, प्लेटिनम होने के बाद वो काम कंटिन्यू छोड़ा नहीं एक दिन भी। और जैसे जीआईपी आया मैं गाड़ी ले आया और जब अपलाइन के पास दोबारा से बैठे मैंने बताया कि इस साल, उन्होंने पूछा इस साल क्या गोल है, बड़ी हिम्मत करके बहुत सोच समझ के कहा था कि फाउंडर प्लेटिनम की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा नहीं, पहला टारगेट तो आपका रिक्वालिफिकेशन का होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है और वहीं से निर्णय लेके गए थे कि फाउंडर प्लेटिनम तो जाना ही जाना है। और दोबारा से रेगुलर एक भी दिन ना आराम करके, एक भी दिन किसी काम को बिना एंजॉय किए लगातार चलते रहे और ठीक 11 महीने बाद एमरल्ड हुए। और इतने बड़े बिजनेस के साथ एमरल्ड हुए कि एक टीम में फाउंडर प्लेटिनम, उनके नीचे प्लेटिनम, अगली टीम में फाउंडर प्लेटिनम, उनके नीचे प्लेटिनम, उनके नीचे प्लेटिनम, उनके नीचे प्लेटिनम, और नेक्स्ट में प्लेटिनम सिल्वर। ऐसा स्ट्रक्चर तैयार हो गया कि कभी भी ना मिटने वाला। और बहुत बड़ा जीआईपी आया, लोगों को डायमंड पे आता है, इतना जीआईपी आया। ऐसे बिजनेस की स्टार्टिंग हुई। उस समय 11 महीने में एमरल्ड होने के बाद लगा कि हाँ बिजनेस चलता है, ये सारी चीजें होती है। किसी दिन भी काम को मिस नहीं किया, अपने कॉन्फिडेंस को मिस नहीं किया और लगातार चलते रहे। और दोबारा से अपलाइन के पास बैठे, उन्होंने कहा कि आपका स्ट्रक्चर अच्छा है, आप जा सकते हैं डायमंड। उनके साथ बैठे, काउंसलिंग हुई और 2019 एज ए डायमंड आपके सामने। दोस्तों एक छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं,
आप में से यहाँ बैठे इंसान बहुत लोग ऐसे हैं जो डायमंड चाहेंगे। सिंपल से बैकग्राउंड, पैसे का अभाव, दोस्तों प्रोडक्ट बेच के बाइक में तेल डला, प्रोडक्ट बेच के टिकट के पैसे आए, कोई पैसा नहीं था, सारे कारण थे, कोई गाड़ी नहीं थी, कोई बैकग्राउंड नहीं था, बहुत बड़ी लिस्ट नहीं थी, बट एक जिद थी, जाना डायमंड। सारी परेशानियां एक तरफ, यदि आपका डिसीजन, आपकी जिद, आपका कमिटमेंट पक्का है और आप सिस्टम के प्रति समर्पित है, आप अपने अपलाइन के सबमिशन में है और आप बिल्कुल जीवन में कामयाब होना चाहते हो, आपको कुछ चुभ रहा है, तो आप डायमंड जा सकते हो और आपकी लाइफ, आपकी लाइफ नहीं, बहुत से लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है। दो एमरल्ड, 16-17 प्लेटिनम, 3-4 फाउंडर प्लेटिनम और 6 गोल्ड और 5-6 सिल्वर, ऐसे लोग आज टीम में हैं। आज एक ऐसे लोगों की टीम है, बार बार उनका थैंक्स करते हैं, बार बार। एक ऐसी टीम, एक ऐसी कमिटेड टीम जो कुछ भी करने को ले तैयार है। अभी बहुत जल्दी आप वहां भी परिणाम देखेंगे, तो आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप डिसीजन ले, एक निर्णय करें और एक जीत करें, उस जीत में बहुत बड़ी ताकत है, आप भी डायमंड जा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।